अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 3 में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑब्जेक्टिव है और प्रेजेंट टाइम में क्या क्या सिचुएशन है उसके बारे में। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा लास्ट पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री देखी, साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ SBI, देखिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो आता है वो कौन आता है, चेयरमैन। और आप सभी जानते हैं कि अभी चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो है मिस्टर दिनेश कुमार खारा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल आप इसे ब्लॉक बनाकर भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ये मोस्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चेयरमैन के बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद में चीफ जनरल मैनेजर्स, उसके बाद में जनरल मैनेजर्स, और जनरल मैनेजर्स के बाद में आता है आपके डिप्टी जनरल मैनेजर्स, और देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद में चीफ मैनेजर्स, देन मैनेजर्स, मैनेजर्स के बाद में डिप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, और आपके ये जो प्रोविजनरी ऑफिसर्स होते हैं वो, और क्लेरिकल स्टाफ जो यानी लिपिक होते हैं ना जो आपके ऑफिस में काम करते हैं वो, और उसके बाद में सब स्टाफ। तो ध्यान रखिएगा आप इसे 2 बार इस फॉर्मेट को जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका आएगा वो हो सकता है कि ऐसे ऑन यानी कि निबंध लिखिए SBI पे, तो जैसे जैसे हमने वीडियो बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको भी स्टेप वाइज आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका मोस्टली ऐसे यानी निबंध पर ही आता है कि SBI पर निबंध लिखिए। इसको आप चाहें तो ब्लॉक बनाकर ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि चेयरमैन के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये था स्ट्रक्चर ऑफ SBI। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI यानी कि SBI के क्या उद्देश्य रहे जो वो SBI बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, SBI बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है उससे पहले मैंने आपको बताया था कि SBI बैंक पहले कौन सी बैंक थी, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1 जुलाई 1955। ध्यान रखिएगा इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करा और तभी उसका नाम रखा गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक और अगर SBI में आपको डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंपीरियल बैंक एंड SBI, तो ध्यान रखिएगा इंपीरियल बैंक एक प्राइवेट बैंक थी। क्या थी? प्राइवेट बैंक, जबकि SBI थी वो एक पब्लिक बैंक थी। ठीक है, पब्लिक बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। इंपीरियल बैंक का जो मेन टारगेट था वो था प्रॉफिट अर्निंग, जबकि SBI का जो टारगेट है वो प्रॉफिट अर्निंग ना करके डेवलपमेंट करना देश का, या RBI का सपोर्ट करना, या फिर गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कर पाए। तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ध्यान रखिएगा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू ऑपरेट द अदर नॉर्मल कॉमर्शियल प्रिंसिपल विद द ओनली डिफरेंस दैट अनलाइक अदर कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन एंड रिस्पॉन्स इन अ प्रोग्रेसिव लिबरल मैनर द फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। भारतीय स्टेट बैंक को ही
सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों पर काम करने के लिए स्थापित किया गया। केवल इसमें जो डिफरेंस रहा है वो देश की, अगर हम दूसरी कॉमर्शियल बैंक का या प्राइवेट बैंक की बात करें तो वो छोटी संस्थाओं को, या हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉपरेटिव संस्थाओं को वो इतना कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रही थी। कौन सी? दूसरी कॉमर्शियल बैंक। जबकि SBI जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस फैसिलिटी दे रही थी कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन को और साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, यानी आप देखते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो इंटरप्राइजेस कौन सी हैं, बहुत सूक्ष्म है, मध्यम है, ठीक है, और लघु है, उनको ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही थी देश में। तो ये सबसे मेन नॉर्मली ऑब्जेक्ट है इसका। पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं SBI का, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बोर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की व्यापक नीतियों के अनुसार कार्य करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है SBI का। सरकार जैसे जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड काम बताएगी वो वैसे ही कंट्रोल में रह के काम करेगी। टू इंक्रीज एंड मोबिलाइज सेविंग्स बाय ओपनिंग ब्रांचेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया एंड टू प्रमोट रूरल क्रेडिट, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर बचत को प्रोत्साहित करना, धन जुटाना, ग्रामीण को ऋण देना और बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको SBI की ब्रांच मिलेगी, वहां पे आपको कोई भी प्राइवेट बैंक की ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमारे देश में रूरल एरिया बहुत ज्यादा है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए उनके ग्रामीण, जो आप कह सकते हैं रूरल जो पर्सन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, ये ऑब्जेक्ट रहा है SBI का, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट इसके बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट की, थर्ड ऑब्जेक्ट की, टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट इन द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट, सहकारी ऋण के प्रावधान में सरकारी भागीदारी स्थापित करना। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको सरकार की ओर से उनकी भागीदारी पूरी करना, यानी उनको सहायता देना कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना, ये उनका काम था। लाइसेंस प्राप्त, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू एक्सटेंड फाइनेंशियल हेल्प फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइसेंस वेयर हाउसेस एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स सोसाइटी, लाइसेंस प्राप्त गोदामों और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, वेयर हाउसेस क्या काम आते हैं, जब आपका फिनिश्ड गुड यानी माल बन जाता है उसको गोदाम में रखना। वेयर हाउसेस अगर गवर्नमेंट के होंगे तो बहुत कम रेट पे, अरे रेंट पे आपको मिल सकते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है, ताकि वो अपना माल सेफ्टी से रख पाए। और कॉपरेटिव मार्केटिंग को जो सोसाइटीज होती है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की बात कही गई है ऑब्जेक्टिव में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कितने ऑब्जेक्टिव की बात की है हमने, 4 ऑब्जेक्टिव की बात की है। नेक्स्ट जो है, टू प्रोवाइड फाइनेंस हेल्प टू द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा जो लोन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना। ठीक है, जो गांव में जो होती है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग उनको, टू प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटी टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग संस्थाओं को प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। भारतीय स्टेट बैंक उन सभी स्थानों पर रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है जिनकी शाखाएं नहीं है, यानी जहां पे रिजर्व बैंक नहीं है वहां पे कौन फंक्शन करेगा, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा पब्लिक बैंक कहा गया है, यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी जो बैंक है वो SBI है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव है किसके, SBI के, जो हमने डिस्कस किए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो आपने देखा होगा वो देखा होगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है, लघु कुटीर उद्योग,
उनको ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी कह सकते हैं, जो मेन आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समितियाँ, जिनको प्राइवेट बैंक इतना सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए SBI उनको सपोर्ट करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर पाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जिसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे, तो ये हमने बात की है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI, यानी SBI के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में हमने बात की है। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंस फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया को अगर हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट होगा तो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। रूरल एरिया का डेवलपमेंट यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट, ओके। तो अब हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे SBI के जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं। आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी टोटल 8 सब्सिडीज है, यानी कि अगर हम भारतीय महिला बैंक को मिलाएं तो उसको मिलाकर 8 इसकी सब्सिडीज बैंक थी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी थी। दिस 7 बैंक्स वेयर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, आपने नाम सुना होगा SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SBH, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर यानी कि SBN, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इसे क्या कहेंगे SBM, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला यानी SBP, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जिसे कहते हैं SBS एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर यानी कि SBT। तो ये सारी के सारी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी कह सकते हैं सब्सिडीज बैंक थी। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी सब्सिडीज बैंक इन SBI, यानी कितनी SBI की आप कह सकते हैं सब्सिडीज बैंक थी। ऑल दिस बैंक्स वर गिवन द सेम लोगो एज द पेरेंट बैंक, यानी जो SBI का लोगो है उसके जैसा ही इन बैंकों का लोगो है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल इट्स एसोसिएट बैंक यूज द सेम ब्लू की होल, आपने देखा ना ऐसे एक होल बना हुआ था SBI का और उसके अंदर बिल्कुल ये ऐसे करके ब्लू कलर का दे रखा था। तो ये क्या था, सिंबल है आपके SBI का, ठीक है। आगे ही बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था लोगो किसके बारे में, ये लोगो हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अहमदाबाद कांकरिया लेक, ये आपको याद रखना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि SBI का जो लोगो है वो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया, तो अहमदाबाद के कांकरिया लेक, बाकायदा अहमदाबाद की जो कांकरिया लेक है उसका बिल्कुल यही पैटर्न है उस लेक का, क्लियर है। बात करते हैं इन एसोसिएट बैंक का मर्जिंग कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में। द प्लान्स फॉर मेकिंग SBI अ सिंगल वेरी लार्ज बैंक बाय मर्जिंग द एसोसिएट बैंक स्टार्टेड इन 2008 एंड इन सेप्टेम्बर द सेम ईयर, देखिए सेप्टेम्बर द सेम ईयर SBS मर्ज विथ SBI, द वेरी नेक्स्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर SBN also मर्ज, यानी ध्यान रखिएगा सहयोगी बैंकों का विलय करके SBI एक बड़ा बैंक बनाने की योजना 2008 में स्टार्ट हो गई थी। कब हुई थी, 2008 में। उसी साल सितंबर में SBS का SBI में विलय हो गया। क्या पूछ रहा है, SBS का विलय किसमें हो गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, किसका विलय हो गया था, सौराष्ट्र का, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है ये कि उसी साल सितंबर में SBS का विलय हो गया SBI में और अगले ही साल स्टेट बैंक ऑफ इंदौर यानी SBN का भी विलय हो गया, क्लियर है। तो ये SBS का मतलब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ
सौराष्ट्र, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। साथ ही साथ ये क्या दे रखा है, SBN यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ, अगर आपसे पूछे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, का विलय 2008 में, कह सकते हैं सितंबर में स्टार्ट हो गया था मर्ज होना, और उसी नेक्स्ट ईयर में कौन सी बैंक का हुआ था, SBN, और SBN का क्या मीनिंग हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, क्लियर है, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर में, इंदौर का भी आप कह सकते हैं उसी समय विलय हो गया था जब सौराष्ट्र का विलय हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय हो गया। बात करते हैं आगे कि फॉलोइंग अ मर्ज प्रोसेस, द मर्ज ऑफ द फाइव रिमेनिंग एसोसिएट बैंक, पांच जो रिमेनिंग बची थी, फाइव स्टेट, जो भी स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक पांच बची थी, दो का तो हो चुका था, किस किस का हो चुका था, SBS, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पांच एसोसिएट बैंक थी, कौन सी थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, SBBJ, क्या कहेंगे, SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इसे क्या कहेंगे, SBH, ठीक है। उसके बाद में बैंक ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इन सब का मर्ज हो गया। एंड द भारतीय महिला बैंक विथ, यानी कि इसके साथ में एक किसका हुआ, भारतीय महिला बैंक को भी क्या किया गया, मर्ज किया गया। द SBI वॉज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 15 जून 2016, यानी कि आप देखते हैं कि भारतीय महिला बैंक का भी इसके साथ में मर्जिंग स्टार्ट हुआ 15 जून 2000, आप कह सकते हैं 16 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिल दी गई, यानी कि किसने दी थी जो मंजूरी है, वो कहां से मिली है, यूनियन कैबिनेट से, कि भाई पांचों बैंकों का मर्ज होना चाहिए, और ये कब स्टार्ट हुआ, 15 जून 2016 को हमें परमिशन मिल गई। दिस केम मंथ आफ्टर द SBI बोर्ड हैड ऑन 17 मई 2016 क्लियर अ प्रपोजल टू मर्ज इट्स फाइव एसोसिएट बैंक एंड भारतीय महिला बैंक विथ इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा, जब दो बैंकों का मर्ज हो गया था, कब हुआ, 2008 में स्टार्टिंग हो गई थी, और उसके नेक्स्ट ये एक बैंक और हो गई थी इंदौर, पहले सबसे पहला जो एसोसिएट बैंक मर्ज हुआ वो था SBS सौराष्ट्र का, सेकंड नंबर इंदौर का, और पांच बैंकों का मर्जिंग का जो प्रोसेस है वो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में हमें अप्रूवल कब मिला है, 15 जून 2016 को। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक महीने के बाद आया, जब SBI ने 17 मई 2016 को अपने पांच सहयोगी बैंक और विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और इसमें भारतीय महिला बैंक भी साथ में थी, क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट बैंक कौन सी मर्ज हुई, SBS एसोसिएट बैंक थी वो मर्ज हुई, पांच बैंकों को कब अप्रूवल मिला था यूनियन कैबिनेट से, 15 जून 2016 को, ये एक महीने बाद आया, एक महीने बाद यानी मई में आया, 17 मई 2016 को, और उस समय SBI जो थी मेन ब्रांच, उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि पांचों बैंकों को और साथ में भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया जाए, क्लियर है आपको। 15 फरवरी 2017 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मर्ज ऑफ फाइव एसोसिएट बैंक विद द SBI। 15 फरवरी की डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, 15 फरवरी की डेट आपको याद रखनी है, 15 फरवरी 2017 को लास्ट पांच बैंकों का मर्जिंग SBI में हो चुका था। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मर्ज ऑफ फाइव एसोसिएट बैंक विद द SBI। द मर्ज वेंट
इनटू इफेक्ट फॉर्म 1 अप्रैल। ये मर्जिंग का जो इफेक्ट है वो 1 अप्रैल 2017 से बना, ठीक है। तो 15 फरवरी 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SBI के साथ साथ 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी और ये विलय जो प्रभावी रहा वो 1 अप्रैल 2017 से रहा। आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि लास्ट कौन सी बैंक जो है, लास्ट बैंकों का जो एसोसिएट बैंक थी SBI की, वो कब मर्ज हुई। तो ये जो इफेक्टिव है ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2017। तो ये जो हमने बात की है वो की है मर्जिंग के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है SBI के योनो ऐप की। आप सबने सुना होगा SBI का योनो ऐप, ये आपको इसका सिंबल यहाँ दिख रहा है, योनो ऐप ये क्या है ध्यान रखिएगा। योनो और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यू ओनली नीड वन, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ योनो, यू ओनली नीड वन, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना है। इज अ डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। योनो एम्स टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग, यानी जो बैंकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, बैंकिंग को डिजिटल बनाने के लिए ये योनो ऐप लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 24 नवंबर 2017 को। 24 नवंबर 2017 को योनो ऐप को लॉन्च किया गया स्टेट बैंक के द्वारा। यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो याद रखना है आपको, एक तो इसकी लॉन्च कब किया गया, उसकी डेट 24 नवंबर 2017 को। अभी हमने मर्जिंग की डेट पढ़ी थी, वो इफेक्टिव कब थी, 1 अप्रैल 2017। यानी SBI के लिए ये 2017 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पे योनो ऐप इसलिए लॉन्च किया गया ताकि डिजिटल्स बनाया जाए, सारे काम डिजिटल्स हो पाए और आपके कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और आपको योनो का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यू ओनली नीड वन, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्किंग प्रोग्रेस कहलाएगी, इसकी क्या हेडिंग आ जाएगी, वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं हेडिंग वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है, कार्यशील जो चली है प्रक्रिया उसके बारे में। इंडिया लार्जेस्ट बैंक बाय इट्स असेट्स, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ये पब्लिक बैंक है, यानी गवर्नमेंट की बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। इसका सार्वजनिक बैंक क्यों है, क्योंकि इसमें कितनी भागीदारी है सरकार की, 61.23%। किसकी भागीदारी है, भारत सरकार की। आप सभी जानते हैं 50% से ऊपर जब शेयर पार्ट हो जाता है तो वो उसी की कहलाएगी। तो ये सरकारी बैंक क्यों है, क्योंकि 61.23% इसमें सरकार का पार्टिसिपेंट है, यानी कि शेयर में भागीदारी है। 24,000 अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं कितनी हैं, 24,000। यहाँ पे 190, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 190 फॉरेन ऑफिस इन 25 अदर कंट्रीज, ध्यान रखिएगा 190 फॉरेनर ऑफिस हैं, ठीक है, और यहाँ पे 35 आएगा अदर कंट्री में। 42 करोड़ कस्टमर्स हैं, कितने करोड़ हैं, 42 करोड़, यानी 42 करोड़ इसके ग्राहक हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, 1/4 ऑफ द टोटल लोन एंड डिपॉजिट मार्केट, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें 1/4 तो किसका ही भाग है, सिर्फ SBI का, किसमें, लोन के साथ साथ डिपॉजिट में, यानी ऋण और जमाओं में, ऋण और जमा की बात करें बाजार की, तो बहुत बड़ा 1/4 पार्टिसिपेंट है भारत में SBI का ही। 60,000 के करीब क्या है, ATM, यानी 59
कितना है 59291। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना है एटीएम का 59291 इसके एटीएम्स है पूरे भारत में। 16 रीजनल हब एंड 57 जोनल ऑफिसेस। SBI टैगलाइन आफ्टर मर्जिंग, यानी जब SBI की टैगलाइन थी वो क्या होगी, सारी आप देखते हैं ना जितनी भी एसोसिएट बैंक थी उन सबकी टैगलाइन थी, अलग अलग जितनी भी बैंक थी जैसे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, SBBJ, इन सबकी अलग अलग टैगलाइन थी। लेकिन 1 अप्रैल 2017 में जब मर्ज हो गया उसके बाद SBI की क्या टैगलाइन आई है, बड़े बैंक के बड़े फायदे। बड़े बैंक के बड़े फायदे क्यों, क्योंकि मर्ज होने के इतनी एसोसिएट बैंक के मर्ज होने के बाद ये बहुत बड़ी बैंक पब्लिक बैंक बन गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ब्स ग्लोबल 2000। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की शीर्ष 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग है। एक मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं। रैंकिंग 4 मैट्रिक्स के मिश्रण पर आधारित है। ध्यान रखिएगा ये जो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 है ये हमेशा हर बैंक की 4 चीजों को देखकर उनको रैंक प्रोवाइड करता है। तो 4 चीजें कौन सी हो गई, एक होता है सेल्स, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा असेट्स और मार्केट। ठीक है, तो ये 4 चीजें देखता है और उसकी अकॉर्डिंग क्या देता है, ये रैंक देता है। क्लियर है। दिस द लिस्ट हैज बीन पब्लिश सिंस 2003। 2003 में इसकी पहली लिस्ट जो है वो पब्लिश हुई थी। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 जो है पत्रिका या मैगजीन कह सकते हैं, ये अपनी रैंकिंग निकालती हैं। ठीक है, और वो रैंकिंग किस बेस पे निकालती हैं, विक्रय, लाभ, संपत्ति और बाजार के रूप में निकालती है। और इसमें SBI का भी आप कह सकते हैं SBI की भी रैंकिंग है, वो है SBI इज द, ये देखिए अभी हम बात करें 21 यानी 221वीं रैंक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट। SBI इज द 43rd लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि SBI दुनिया का 43वां बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 221वां रैंक है, जो सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। यानी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का एक ही बैंक है और वो कौन सा है, SBI। क्लियर है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत में सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें संपत्ति के हिसाब से 23% बाजार में हिस्सेदारी है। मार्केट में पूरे 100% मार्केट में सिर्फ SBI का पार्टिसिपेंट कितना है, 23%, ये आपको याद रखना है। और कुल ऋण और जमा बाजार में 25%, अभी मैंने आपको बताया था 1/4 पर पूरा का पूरा किसका आप कह सकते हैं, SBI का है। किसमें, लोन में और डिपॉजिट मार्केट में। क्लियर है आपको। कुछ फैक्ट की बात करते हैं, ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। रेवेन्यू आगम कितना है, ये आपको सिर्फ जस्ट नॉलेज रखना है, एग्जाम में इतना अगर आपको याद हो पाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, USA डॉलर में भी याद कर सकते हैं और जो इंडियन करेंसी है उसमें भी। 385,338 करोड़ इसके रेवेन्यू है 2021 में। ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 78,898 करोड़। ठीक है, और ये 2021 के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेट इनकम है इसकी 22,405। ठीक है, 22,405 करोड़, और ये भी 2021 के अकॉर्डिंग। टोटल असेट्स है इसकी कितनी दे रखी है आपकी, 48,45,619। ठीक है, 619। तो ये करोड़ में दे रखी हैं आपके 2021 के की टोटल असेट्स कितनी है SBI की। क्लियर है। टोटल इक्विटी कितनी है इसकी, 27,04,669 करोड़ इसकी टोटल इक्विटी है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं पूरे 245,642, ये मार्च 2021 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका SBI का ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ हमने कुछ इसके फैक्ट के बारे में बात की। तो आज के इस वीडियो में हमने SBI के बारे में जितना भी रिमेनिंग था उसके बारे में डिस्कस किया और आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज आंसर देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।